500 और 1000 के नोट बंद होने के बाद पुराने नोट बदलने और जमा कराने वालों पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर है और शनिवार रविवार सोमवार को सभी बैंक आपकी सहूलियत के लिए खुले भी रहेंगे। 500 और 1000 के नोट बदलने में लोगों को दिक्कतें आ रही थी, जिसको कम करने के लिए आरबीआई ने बैंक खुले रखने का फैसला किया है। इसके साथ ही बैंकों में ग्राहकों के लिए अलग से कैश काउंटर भी खोले जाएंगे। और आपको बता दें कि इस हफ्ते दूसरे शनिवार के चलते बैंक बंद होने थे, वहीं सोमवार को गुरु नानक जयंती होने की वजह से बैंक बंद होने थे। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई की सभी शाखाएं शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। एसबीआई ने कहा है कि उसके ग्राहक अपने ब्रांच से 10,000 तक की रकम की निकासी कर पाएंगे। वहीं खातों में 500 और 1000 के नोट जमा करने की कोई सीमा नहीं होगी। एसबीआई ने यह भी बात कही कि उसके एटीएम और ब्रांचेज में 100 रुपए के नोटों की पर्याप्त संख्या है। वहीं देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कामकाज होगा। आईसीआईसीआई बैंक ने कहा कि 10 नवंबर से 30 नवंबर तक कैश डिपॉजिट पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। आईसीआईसीआई बैंक ने पॉइंट ऑफ सेल्स के लिहाज से कैश की लिमिट भी दोगुनी कर दी। हजार के नोट बंद करने के बाद पुराने नोट बदलने और जमा करने को लेकर पंजाब नेशनल बैंक ने भी खास इंतजाम किए हैं। कल यानी गुरुवार को शुक्रवार और पीएनबी के सभी ब्रांचेस पर शाम 7 बजे तक कामकाज होगा। 12, 13 और 14 नवंबर को भी पीएनबी के सभी ब्रांच खुलेंगे। कल से बैंकों में 500 और 2000 के नोट नए नोट मिलना शुरू हो जाएंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसका ऐलान किया है। अरुण जेटली ने कहा कि कल सुबह बैंकों और पोस्ट ऑफिस में नए नोट मिलने शुरू हो जाएंगे। जेटली ने कहा कि ये फैसला ऐतिहासिक है, जिसका सबसे ज्यादा असर ब्लैक मनी रखने वालों पर होगा। सरकार ने कुछ समय पहले ये मन बनाया था प्रधानमंत्री जी ने कि जो हाई डिनोमिनेशनल नोट्स हैं 500 रुपए और 1000 रुपए के, उनका लीगल टेंडर की दृष्टि से कैंसिल कर दिया जाए। और कल रात्रि से उनको कैंसिल कर दिया गया और 500 और 2000 सीरीज की नई करेंसी कल सुबह से बैंक और पोस्ट ऑफिस व्यवस्था की तरफ से दी जाए। पांच सौ और हजार के नोट बंद होने के बाद किसी तरह की दिक्कतों से निपटने के लिए बैंक पूरी तरह तैयार है। कल से 500 और 2000 के नए नोट भी मिलने लगेंगे। अपने स्क्रीन पर आप नए सीरीज के 500 और 2000 के नोटों से भरे ट्रकों की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आज दिल्ली के आरबीआई दफ्तर में नए नोटों से भरे कई ट्रक पहुंचे। सरकार ने देश भर के सभी टोल प्लाजाओं को फ्री करने का ऐलान किया है। 11 नवंबर की रात तक देश के सभी टोल फ्री रहेंगे। 500 और 1000 के नोट बैन के बाद लोगों को हो रही दिक्कतें खत्म करने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और टोल नाकों पर लंबे लंबे जाम भी लगे हैं। यही वजह है कि फिलहाल टोल नाकों पर 11 नवंबर तक टोल फ्री कर दिया है। लेकिन टोल फ्री करने के सरकार की घोषणा से पहले आज कई जगहों पर टोल प्लाजा पर लंबा जाम लगा। मुंबई में बांद्रा वर्ली सीलिंग पर 500 मीटर से भी ज्यादा लंबा जाम रहा। 60 रुपए के टोल के लिए लोगों के 500 हजार रुपए के नोट देने की वजह से ये जाम लगा। पांच सौ और हजार के नोट बंद करने की सरकार की घोषणा के बाद सिर्फ टोल प्लाजा ही नहीं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स की ओपीडी को भी 2 दिन के लिए फ्री कर दिया गया। यानी एम्स में इलाज के लिए अब 11 नवंबर तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन इलाज के लिए जो आपको दवाइयां जरूरी होती हैं, वहां पर लोगों को जरूर थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
वोडाफोन ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए बिल अदायगी की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। वोडाफोन इंडिया ने नए करेंसी नियमों को देखते हुए बिल अदायगी की तारीख को आगे बढ़ाया है। अब ग्राहकों को सुविधा का ध्यान रखते हुए वोडाफोन इंडिया ने बिल अदा करने की मियाद 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। लेकिन इन सब के बावजूद बड़े नोट बैन होने से आज लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। रेलवे स्टेशन, अस्पतालों, मेडिकल स्टोर जैसी जगहों पर लोग काफी परेशान रहे। लोगों की शिकायत थी कि उनके 500 और 1000 के नोट नहीं लिए जा रहे। वहीं दुकानदारों की दलील थी कि लोग कम कीमत की चीजों के लिए भी 500 और 1000 रुपए के नोट दे रहे। पाँच सौ और हजार रुपए के नोट बंद होने का असर ऑनलाइन शॉपिंग पर भी दिखा। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और पेटीएम जैसी कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर रोक दिए। ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट से ऑर्डर बुकिंग करते वक्त कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन चुनने पर एक पॉपअप आ रहा है जिसमें कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन बंद करने की जानकारी मिल रही है। हालांकि आप नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड के जरिए शॉपिंग कर सकते हैं। पाँच सौ और हजार के नोट बंद करने के बाद गोरखधंधा भी शुरू हो गया है। कमीशन पर पुराने नोटों को बदला जा रहा है। 10 से लेकर 40% कमीशन लेकर 500 और हजार के नोट बदले जा रहे हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर तो धंधा खुलेआम चल रहा है। अगर आपके पास 1000 का नोट है तो उसके बदले 600 रुपए तक दिए जा रहे हैं। वहीं 500 रुपए के बदले 300 रुपए तक मिल रहे हैं। पाँच सौ और हजार रुपए के नोट बंद होने से बुलियन मार्केट में भी कोहराम मचा। जी बिजनेस को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि मुंबई में कैश में सोना 49,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक बिका, जबकि चेक में भुगतान करने पर 32,000 से भी कम के भाव पर सोना उपलब्ध था। मुंबई के कई इलाकों में रात के 3 बजे तक ज्वेलरी की दुकानें खुली थी। सूत्रों के मुताबिक देर रात कई लोगों ने ज्यादा भाव चुकाकर भी ब्लैक मनी को गोल्ड में बदल लिया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 500 हजार के नोट बंद करने के मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक बताया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि ये आजाद भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार है। उन्होंने कहा कि अब काले धन और भ्रष्टाचार के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। मोदी सरकार के 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का राजनीतिक दलों ने भी स्वागत किया। कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन उसका कहना है कि सरकार ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि सरकार ने यह फैसला बिना तैयारियों के लिया जिससे लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सरकार के बड़े नोट बैन करने के फैसले का स्वागत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 500 और 1000 के नोट वापस लिए जाने के फैसले का मैं समर्थन करता हूं। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में भले ही इससे थोड़ी परेशानी होगी, पर बाद में देश की अर्थव्यवस्था को इससे फायदा होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का ये फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है। पाँच सौ और हजार रुपए के नोट बंद होने के फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि अब काले धन वाले 500 हजार के नोट पर मूंगफली खाएंगे। बाबा रामदेव बोले कि देश में करीब 15 लाख करोड़ काला धन केवल अकेले इस कदम से आएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के फैसले से राजनीति में आपराधिकरण बंद होगा। पाँच सौ और हजार के नोट बंद होने पर यूपी के अखिलेश यादव ने मोदी सरकार के फैसले पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि काले धन वाले 2000 के नोट का ही इंतजाम
इंतजार कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि सरकार के फैसले का स्वागत है, लेकिन काले धन पर रोक लगाने के लिए सबसे पहले लोगों को सहयोग करना होगा। ₹500 और ₹1000 के नोट बंद करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका भी दायर हो गई है। दिल्ली के हाई कोर्ट में यूपी के वकील ने जनहित याचिका दायर की। वकील ने अपनी याचिका में कहा कि सरकार का ये मनमाना फैसला है, इससे आम लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। अर्जी में कहा गया कि सरकार के इस फैसले से किसानों, मरीजों और अस्पतालों में लोगों का काफी दिक्कतें लोगों को सामना करना पड़ा है। साथ ही 9, 10, 11 को होने वाली शादियों में भी मुश्किलें पैदा होंगी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 500 और 1000 का नोट नहीं लेने वाले पेट्रोल पंप मालिकों पर कार्रवाई होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जिनको 100 रुपए का पेट्रोल लेना है वो 100 का ही नोट लेकर पेट्रोल पंप जाएं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप कोई एक्सचेंज तो है नहीं, उनकी भी एक लिमिटेशन है। ₹500 और ₹1000 के नोट बंद होने और ट्रंप के यूएस प्रेसिडेंट बनने की खबरों के बीच आज सोने चांदी में जोरदार तेजी दर्ज की गई। एमसीएक्स पर शुरुआती कारोबार में सोना 4% और चांदी में करीब 3% का उछाल देखा गया। वहीं दूसरी ओर कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। एमसीएक्स पर क्रूड का भाव करीब 2% लुढ़क गया। अमेरिकी चुनाव में और 500 और 1000 के नोटों को खत्म किए जाने की खबरों का असर आज भारतीय बाजारों पर भी दिखा। घरेलू बाजार की शुरुआत आज जोरदार गिरावट के साथ हुई। बाजार 5 साल में सबसे बड़ी गिरावट के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में ही निफ्टी करीब 550 और सेंसेक्स में करीब 1600 अंकों की गिरावट देखी गई, लेकिन बाद में निचले स्तरों से शानदार रिकवरी हुई और सेंसेक्स 339 अंक और निफ्टी 112 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुई। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद आज अमेरिकी बाजार कमजोरी के साथ खुले। हालांकि थोड़ी देर में ही बाजार संभल गया और डाउ जोन्स, नैस्डैक में बढ़त पर कारोबार होने लगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर के गुड़गांव स्थित फ्लैट में सुविधाओं की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया है। राठौर का ये फ्लैट पार्श्वनाथ डेवलपर्स के गुड़गांव स्थित एक्सोटिका प्रोजेक्ट में है। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति बन चुके हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पूरी दुनिया हैरान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद अपनी विक्ट्री स्पीच में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सभी अमेरिकी वासियों के राष्ट्रपति बने। ट्रंप के शासन में इंडियाना के गवर्नर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। मिशेल रिचर्ड माइक पेंस होंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति चुनाव में हार के बाद हिलेरी क्लिंटन ने रद्द किया अपना भाषण। हार के बाद बेहद निराश। अमेरिका के पोर्टलैंड में डोनाल्ड ट्रंप की जीत का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने किया रोड जैम, नतीजे के खिलाफ लगाए नारे। नागपुर में ट्रंप की जीत का जश्न मनाया गया। केंद्रीय विकास पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। अमेरिका में हुए सीनेट और कांग्रेस मेंबर के चुनाव में 6 भारतीयों में से 3 ने जीत दर्ज की। अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप के रूप में नया राष्ट्रपति मिल गया है और ट्रंप के नए राष्ट्रपति बनने से भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत होंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से भारत को कई फायदे तो हैं ही, कई नुकसान भी हो सकते हैं।
ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी में से भारत को काफी नुकसान हो सकता है। वहीं ट्रंप H-1B वीजा पॉलिसी खत्म करना भी चाहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारतीय सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को नौकरी मिलने में मुश्किल हो सकती है। पॉलिसी नौकरी के लिए NGT ने 5 राज्यों के सचिवों की एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में पर्यावरण सचिव भी शामिल होंगे। यूपी में प्रदूषण को लेकर हाईकोर्ट का सख्त आदेश, रैली की गाड़ियों पर रोक लगाई, हेल्पलाइन नंबर करना होगा जारी। यूपी के बलिया में परिवर्तन यात्रा के दौरान राजनाथ ने पाकिस्तान और आतंकवाद पर जमकर बोला हमला, कहा अमेरिका में ट्रंप की नहीं होगी, मोदी की हुई जीत। यूपी चुनावों के मद्देनजर मुलायम सिंह से मिले अजीत सिंह, गठबंधन को लेकर हुई चर्चा, मीटिंग में शिवपाल भी रहे मौजूद। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुई रीता जोशी का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी को राजनीति नहीं आती, यूपी चुनाव में 10 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती कांग्रेस। यूपी के प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री और SP नेता शिवकांत ओझा के कार्यकर्ताओं की पिटाई, अस्पताल की इमरजेंसी में वार्ड बॉय के साथ की थी मारपीट। यूपी के महोबा में बंद होने के कगार पर खादी ग्रामोद्योग, सूबे की सरकार बेखबर, सूत कटाने वाले पैसों के लिए तरसे। मुंबई के केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग बुझाने का काम जारी। बिहार के लखीसराय में पुलिस छापेमारी में मोस्ट वांटेड नक्सली रवि राम गिरफ्तार, मुंगेर में हत्या, लूट और आर्म्स एक्ट सहित 5 मामले दर्ज। कानपुर में एक इंजीनियर ने दिखाया कमाल, 2000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग को सपोर्ट के सहारे 3 फीट नींव से ऊपर उठाया, घर में पानी भरने से परेशान था बिल्डिंग का मालिक। कैलिफोर्निया में मतदान केंद्र के पास फायरिंग, एक की मौत, कम से कम 3 लोग हुए घायल। बोलिविया में डे ऑफ स्कल फेस्टिवल की धूम, खोपड़ियों को लकड़ी के खूबसूरत बॉक्स में रखकर फूलों से सजाया गया। सर्जिकल स्ट्राइक पर डेरा सच्चा सौदा, फिल्म बनाने को तैयार, फिल्म का नाम MSG द लॉयन हार्ट, हिंद का नापाक हो नापाक को जवाब। तो इसी के साथ फिलहाल फास्ट 50 में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।